लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर लेते। कहने का मतलब है, अगर आप एग्जाम भी दे रहे हैं ना, तो मान लो अगर आप एग्जाम दिए एक बहुत अच्छा से पढ़ाई कर और एग्जाम किसी कारणवश नहीं निकल रहा है, तो आने वाले एग्जाम में आप लूज मत हो जाओ कि नहीं पहले एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छी की है तो इसमें थोड़ा तैयारी कम करेंगे। नहीं, आपको उसी स्पीड से उसी लगन से तैयारी करना पड़ेगा ताकि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता है तब तक आपको अपना पूरा ईमानदारी से मेहनत करना है, जब तक आपको पूरा सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं पर भी अपने आप को डाउन फील नहीं करना है या कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है कि बहुत तैयारी कर ली इसके बलबूते पे एग्जाम निकल जाएंगे। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि पहले दिन जो मेहनत की है जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता आखिरी दिन तक उतना ही मेहनत करेंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आज कवर करने वाले हम लोग 11 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, अच्छे से देखिएगा, जो अमूल ब्रांड सभी को पता है जो दूध का कंपनी है अमूल ब्रांड, वो किस देश को यानी किस क्रिकेट देश को स्पॉन्सर्ड करने जा रही है जो वर्ल्ड कप होने वाला है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का। और एक बात, ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है 19 का वो किस देश में होगा, तो ये भी याद रखिएगा भैया। ये जो है आपका कहां होने वाला है, इंग्लैंड में होने वाला है। और जो अमूल कंपनी है वो किसको स्पॉन्सर करने जा रही है इस बार, तो वो करने जा रही है आपका अफगानिस्तान को, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा अफगानिस्तान भी इस बार का आईसीसी वर्ल्ड कप जो मेन का होने वाला है 19 में इंग्लैंड में वो खेलेगा। और अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, तो काबुल है। करेंसी क्या है, अफगानी अफगानी, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिकी सेना ने अपनी सबसे उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्राणी यानी थार्ड, नाम क्या है, नाम याद रखिएगा थार्ड को, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में किस पर तैनात किया है। यानी जो अमेरिकन मिलिट्री है ना, उसका जो सबसे एडवांस एयर मिसाइल है डिफेंस सिस्टम का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थार्ड, वो किस राष्ट्र में तैनात कर रही है आपको बताना है। तो वो जो तैनात कर रही है वो कर रही है रोमानिया में, याद रखिएगा रोमानिया में। और रोमानिया का कैपिटल क्या है वहां का, तो वो है आपका ये। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है, वो की जाती है रोमानियन ल्यू। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूल को यह सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया है कि बच्चों के स्कूल का जो बैग का वजन है ना, देखो बच्चों का जो स्कूल का वजन है होता है बैग का आजकल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। तो ये राज्य सरकार जो है एक्ट या बोल सकते हो एक ऑर्डर पास की है कि जो बच्चों का बैग का वजन है वो 10% से अधिक ना हो, यानी 10% से जो हो वो अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कौन सा सरकार करने वाला है, तो ये करने वाला है आपका कर्नाटका। और आपका पहला प्रश्न यही है, कर्नाटका के सीएम का नाम और कर्नाटका के जो गवर्नर है राज्यपाल है, ये दो चीज आपको कमेंट में बताना है। पहला प्रश्न आपका यही है, कर्नाटका के सीएम कौन है और कर्नाटका के गवर्नर कौन है, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये है, तीन आंखों वाला सांप को मोटी पाइथन करार दिया गया है। यानी जो तीन आंखों वाला सांप है ना, उसको नाम क्या दिया गया है, मोंटी पाइथन, वो हाल फिलहाल में किस देश में देखा गया है, ये आपको बताना है। और याद रखिएगा जो तीन आंखों वाला सांप है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है मोंटी पाइथन, और ये देखा गया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, उनका नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। ये सब चीज भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, एक नक्सल विरोधी महिला को कमांडो इकाई में, जो कमांडो है उसमें शामिल कर लिया गया है, आपको बताना है ये कौन सा जो स्टेट है जहां पर एक नक्सल विरोधी महिला को जो है वहां के डिफेंस में या बोल सकते हैं वहां के पुलिस में ऐसा गार्ड शामिल किया गया है, वो कौन सा राज्य है, वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है, तो वो सभी को पता है भैया, रायपुर। लेकिन आपका क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आज का, आपका सेकेंड प्रश्न ये है,
कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है, ये आपको दो क्वेश्चन आज का आपको आपको कमेंट कर बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, कर्नाटका के सीएम और गवर्नर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर। ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने, जिन्हें जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ यानी IMMA, इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है, के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या फिर किसे अपॉइंट किया गया, यह आपको बताना है। यानी IMMA का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसे बना दिया गया है, तो उनका नाम है आपका राकेश शर्मा, ठीक है। याद रखे किसे बनाया गया है, यह बनाया गया है आपका राकेश शर्मा जी को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशिया विकास बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर की 52वीं वार्षिक बैठक किस क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। द 52 एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर विल बी हेल्ड इन विच रीजन, तो इसका आंसर है आपका फिजी, और फिजी का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है सुबा, और वहां का जो करेंसी है, जो मुद्रा है वहां पर क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वो इस्तेमाल की जाती है आपका फिजियन डॉलर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मरमाराजू सत्यनारायण राव का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और आपको पता है डेथ के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो मारा महाराजू सत्यनारायण राव है, जिनका हाल में निधन हो गया है, वो किस कैटेगरी से या किस फील्ड से, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या थे, वो थे राइटर, वो लेखक थे, लिखे लिखा हुआ है इसको लेखक कर लीजिएगा, वो लेखक के क्षेत्र से यानी राइटर के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो प्रशांत क्षेत्र, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, महासागरों और स्थित ब्लू अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कार्य योजना जो है, वो एक योजना है जो स्टार्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस योजना में कुल कितना निवेश किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, और इसमें जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो किया जाएगा आपका $5 बिलियन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ड्रैगन अंतरिक्ष यान के साथ किस एरियो स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट, ये नाम याद रखिएगा, फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, तो उनका नाम क्या है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स, ठीक है, क्या है, स्पेस एक्स जो है। चलो तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 11 मई के, ठीक है, और इस क्लास का पूरा जो PDF है आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस क्लास का पूरा जो PDF है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं www.successkey98.in से। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं कि इस क्लास का जो टेलीग्राम पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग पूरा का पूरा ख्याल रखिएगा। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।